स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ए 319, बी 419, सी 519, डी 619। आंसर सी 519। एक्सप्लेनेशन: क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना RCS पूरे देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए अगरतला, बी पटना, सी जयपुर, डी लखनऊ। आंसर ए अगरतला। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए टेस्ला, बी मेटा, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। आंसर सी गूगल। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। आंसर बी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन: भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय क्या है? ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली, बी स्थायी भविष्य के लिए दालें, सी स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दालें, डी लव पुल्स। आंसर ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली। एक्सप्लेनेशन: दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था।